शनाका भैया कैसे हो यार, इस कुशाल मेंडिस के बच्चे को समझा यार, तू तो भाग गया अनफिट होके, इसको कप्तान बना दिया, ये भूतनी का रन बना नहीं रहा यार। 9 तारीख को न्यूजीलैंड से मैच है आपका यार, जीत लेना, आप ही आ जाओ यार, कोई रबड़ बबड़ की टांग बांग लगा लो, जिधर चोट लगी है वो ऐसा यार बदली कर लो जिसम का, कोई जुगाड़ करो यार, हमारे बारे में सोचो, तुम तो जा रहे हो, ऐसा मत करना, अपने साथ साथ हमारा पत्ता मत काट के जाना। बाबड़ बुरा कर हम क्या करता यार, हम तो भैया टाइम से चले गए, नहीं तो भैया हमारा टीम सेमीफाइनल में आना था, अब हमारा कोई चांस नहीं बचा, पहले हमने सोचा पता नहीं यार हमारा भी चांस बन जाता, लेकिन नहीं भैया, हम आज का पता नहीं ये भूतनी का बांग्लादेश से जीतेगा या नहीं, मुझे लगता है ये भी हार जाएगा, न्यूजीलैंड से ये नहीं जीत पाएगा यार, हमारा कोई गारंटी नहीं है, बाकी कुशाल मेंडिस कुछ कर ले यार, न्यूजीलैंड से जीत ले ताकि हमारे पड़ोसियों का तो भला हो जाए, देखो कैसे रो रहे हैं। अबे बस कर शनाका भैया, भूतनी के तू तो खिसक गया, ऊपर से श्रीलंका वालों ने मेरे को कप्तान बना लिया यार, अच्छा खासा था यार, वो नहीं कहते शादी करके फंस गया यार, मैं कप्तान बन के फंस गया, भूतनी वालों मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन बाबर भैया तू टेंशन नहीं ले, आज का मैच भी हम लगता है हार जाएंगे, कोई पता नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड वाला पक्का हम हारेंगे भैया, आपको हम अपने पीछे नहीं आगे लगा के लेके जाएंगे, पहले आपको धक्का देंगे फिर हम आएंगे आपके पीछे पीछे। अबे डड्डू भैया गुस्सा नहीं करना यार, तेरा नाम मेंडी से ना उर्दू में डड्डू बनेगा यार, भूतनी के कुछ हमारे बारे में सोच ले, अबे कप्तानी को गोली मार, कप्तानी का बोझ अपने दिमाग से निकाल फेंकना, तो उस दिन शतक जड़ देना, 4 लत सलंगा ने आज जड़ा उसे हम बोल देंगे, न्यूजीलैंड को ठोकना यार, हमारे को न्यूजीलैंड ने 402 का लक्ष्य दिया, हमने फेर नहीं छोड़ा यार, आप जैसे तैसे करके बस जीत लेना यार, हमको तो आगे जाने दो यार। देखो शनाका भैया ये बाबर को देखो, उल्टा हमारा बेइज्जती कर रहा, उल्टे सीधे नाम ले रहा है जवानों का मतलब देके, अबे भूतनी के तू सबर कर भैया, न्यूजीलैंड हमको हरा पाए ना पाए, लेकिन हम भैया जानबूझ के हारेंगे भैया, हमारी टीम बेशक चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई ना कर पाए तो कोनो टेंशन नहीं है भैया, सेमीफाइनल में हम तो नहीं जा रहे, आपको भी नहीं जाने देंगे भैया, ऐसे कैसे होगा भैया, हम जाएं तुम सेमीफाइनल खेलो, चलो हमारे साथ। छोड़ो कुशाल मेंडिस, गरीब का बच्चा रो रहा है, जीतने की कोशिश करना, जा लेने दे बाबर को सेमीफाइनल में, लेकिन बाबर भैया तुम भैया दुआ मांगोगे तुम्हारी टीम सेमीफाइनल में ना पहुंचे, हम हार जाए ये बोलना चाहिए कि हम जानबूझ के आ रहे, क्योंकि भैया आपको पता है ना सामने इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है, आपका सेमीफाइनल उससे पड़ेगा भैया, ऐसा मार मार के सुझाएंगे ना भूतनी वालों, चारपाई पे भी वापस अपने देश नहीं जा पाओगे, चार कंधों पे जाओगे। अबे बस कर शनाका के बच्चे, बाबर भैया तू भी इनके सामने गिड़गिड़ा रहा, ये भूतनी के चाकर भी नहीं जीत सकते, देखा नहीं आज बांग्लादेश से हारने वाले हैं, इनसे उम्मीद रखना बेकार है भैया, हमको बारिश ही पुचाएगी सेमीफाइनल में, अगर बारिश ना हुई मैच तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा, लेकिन फिर ये आपका फकर जमान भैया ऐसा जलवा दिखाएगा, 200-300-400 जितने भी रन से पेलना पड़े ना इंग्लैंड को तो हम पेलेंगे, हम अकेले इतने छक्के मारेंगे जितने किसी ने रन ना बनाए होंगे। फकर भैया हमको मालूम है 2 दरवाजे हमारे लिए खुले हैं सेमीफाइनल के लिए, हम सोच रहे हैं यार इधर 3रे दरवाजे का भी बंदोबस्त हो जाएगा, फिर जिधर से दिल करेगा उधर से घुस जाएंगे सेमीफाइनल में, लेकिन श्रीलंका वालों तुम शर्म कर लेना, भूतनी वालों हमारे लिए नहीं तो अपने लिए जीत लेना, तुम हार भी गए ना, हम तो भैया पहले दूसरे किसी न किसी दरवाजे से घुस जाएंगे, तुम्हारे जीतने से 1 दरवाजा बंद होगा 2 खुले रहेंगे, ठीक है अपनी इज्जत बचाओ, जीत लेना न्यूजीलैंड से। बस्कर बाबर भैया जो 2 दरवाजे खुले भूतनी के लिए वो आगे जाने के लिए नहीं खुले, उधर से भैया धक्का मिलेगा सीधा अपने देश जाओगे भूतनी वालों, 1 ही दरवाजा खुलेगा, अगर हम जीते उधर से ही तुम सेमीफाइनल में जाओगे, बाकी 2 दरवाजों पे आज उम्मीद ना रखो, उधर से धक्का ही मिलेगा सीधे जाओगे बिना टिकट बिना हवाई जहाज के सीधा अपने देश, ठीक हो गया ना भाई। ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।